नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम सीतामढ़ी सुरसन क्षेत्र में मौजूद हैं और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो मुद्दा तो बहुत बड़ा है लेकिन कभी विपक्ष ने इस पर गौर नहीं किया। आइए हम बात करते हैं ऐसे शख्सियत से जो पहले आरजेडी में हुआ करते थे, आज के डेट में एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं जो इस वक्त बहुत ही गतिशील है, बहुत प्रगतिशील है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इस पार्टी में क्यों आए और क्या कारण था। इनका नाम है मनोज राय। आइए मनोज राय जी से सीधे हम बात करते हैं। मनोज जी, दिल्ली न्यूज में आपका स्वागत है और सीधी बात जनता को बताइए, कारण क्या था? देखिए, जो मुख्य कारण था, हम पहले भी बात किए थे इस विषय पर और हमने अपनी बात को पहले भी कहा था। सबसे पहला तो हम लोग मरद यादव के सेना हैं। अच्छा। शरद यादव के सेना हम लोग हैं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों के बीच अब मरद यादव रह नहीं गए। बिल्कुल। मरद यादव मींस लालू यादव। ठीक है। लालू यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। ठीक है। उनके जाने के उपरांत, उनके जाने के बाद कोई दूसरा उस विचारधारा का योद्धा बन जाएगा, हो जाएगा, लालू हो जाएगा दूसरा, ये कहना गलत होगा। इसलिए कोई हम लोग का नेतृत्व दूसरा नहीं कर सकता लालू यादव के सिवाय। मरद यादव के छोड़ के कोई शरद यादव हम लोग का नेतृत्व नहीं कर सकता, इसलिए हमने आरजेडी छोड़ दिया है। ठीक है। आपने आरजेडी छोड़ा, मनोज राय जी ने आरजेडी छोड़ा, ये क्वेश्चन मार्क तो क्लियर हुआ, लेकिन आरजेडी छोड़कर आखिर गए किसमें? हम आपको बता दें कि हम जिसमें गए हैं वो भी क्लियर कर दे रहे हैं। पहले आप ये जान जाएं कि राष्ट्रीय जनता दल के जितने दिन हम रहे हैं जी, प्रदेश कार्यालय में जाके पता कर ले, सीतामढ़ी जिला के तमाम नेता बिना किसी पद पर, पार्टी के बिना किसी पद पर रहे, सबसे ज्यादा क्रियाशील मेंबर बनाने वाला जिला का एकलौता आदमी मैं रहा राष्ट्रीय जनता दल में। और ये तमाम कररबाना से लेके कोरियाही के बॉर्डर तक तमाम गांव में, सुरसंड के तमाम गांव में भूखे प्यासे रहकर और आरजेडी के झंडा को क्रियाशील मेंबर बनाने के लिए गांव गांव सदस्यता अभियान में भाग लिया जी। और गरीबों से मिला, गरीबों के प्रति हमारी आस्था थी, शुरू से ये हमारी आस्था रही कि गरीबों के सम्मान के साथ मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। आज भी मैं इसलिए गरीबों की पार्टी को देखते हुए और नेता लालू यादव के बाद देश में हमको गरीब का कोई नेता नजर आता है तो आदरणीय राम विलास पासवान जी नजर आते हैं। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एलजेपी ज्वाइन करने का काम किया है। गरीब का बेटा हूँ, होटल में प्लेट, बहुत लोग हमको चिढ़ाते हैं मुकुल जी कि फिर प्लेट धोने चले जाइएगा, अब तो खैर नहीं जाएंगे, बहुत सर बहुत गुण से संपन्न है, प्लेट नहीं धोएंगे, अब उससे ऊंचाई कहीं रहेंगे। लेकिन जो लोग हमारे विरोधी हमको ये कह रहे होंगे कि प्लेट धोने जाना पड़ेगा, तो ये ध्यान रहे कि प्लेट धोने वाला ही सरकार बनाता है और प्लेट धोने वाला ही सरकार। एक होटल उनके नाम पे आप खुलवाइएगा जरूर, अब जो भी हो, लेकिन ये तो तय है कि राष्ट्रीय जनता दल को जब हमने छोड़ दिया, एलजेपी को धर लिया, तो गरीबों की पार्टी सबसे ज्यादा एलजेपी में गरीब है। और मैं गरीब हूँ, मैं रोड पर से उठ के आया हूँ, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, उस माँ का बेटा हूँ जो चौरी में धान काट के लाती थी बहन, तब हम लोग खाते थे। इसलिए हमने राम विलास जी के पार्टी को स्वीकार किया है और कोई भी बेना शर्त, कोई शर्त नहीं, नेतृत्व का सवाल है। तेज प्रताप के पास जाते कि तेजस्वी के पास जाते? बिल्कुल सही कहा आपने, हम तो धर्म संकट में थे, यहाँ झगड़ा फंसा हुआ, हम लोग लालू जी के पास जाना पसंद करते हैं, लेकिन लालू जी तो अब हम लोग के बीच में है नहीं। जी, जी। जो लालू जी रहे नहीं, तो लालू जी के विचार को जो कायम रखे हुए हैं देश में, उनके साथ हम लोग हैं और लालू जी भी रहे हुए हैं रामविलास पासवान जी के साथ, ऐसा नहीं कि नहीं रहे, और आज भी चाहते हैं वो कि ये रामविलास पासवान जी उनके साथ चले जाएं। और अच्छा है, लोग कहते हैं कि मौसम वैज्ञानिक है, ये लोग जो कहते हैं रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक है, तो अच्छा ना है कि हम उस दल में चले गए हैं कि भूकंप भूकंप आएगा तो हमको पहले पता चल जाएगा, हम देश को सुरक्षित कर पाएंगे, इसलिए हम चले गए उनके साथ। और ये हम जानते हैं कि इस देश में राम विलास पासवान ने विकास का काम कहीं ना कहीं भरपूर किया, इसीलिए चाहे सेंट्रल में कोई भी सरकार बनी उनको मंत्री बनाया गया। जिस आदमी में काबिलियत नहीं होती उनको बराबर पद नहीं दिया जाता, इनको भी 15 साल लोग रखा, लालू जी को भी हटाया, नीतीश जी को भी रखा, गठबंधन टूटा, उस दिन भी हमने कहा तेजस्वी की गलती थी, पब्लिक डोमेन में क्लियरिफिकेशन करना चाहिए था, महागठबंधन बनाया था, नीतीश जी ने नाम दिया था, आपको कहना चाहिए था कि हम पर FIR हुआ है, तो पब्लिक के बीच में जाके कहना चाहिए था कि इसका हम समझौता कर रहे हैं, कोर्ट में दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल बताना बिल्कुल। चाहिए जनप्रतिनिधि अगर यदि अपने आप को पारदर्शिता नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? बिल्कुल। इसलिए मैं उस नेता के साथ हूँ जो जनप्रतिनिधि के लिए या अपने साथ रहते हुए सरकारी तमाम विभागों में
पुरजोर काम करने का, ये जो आज साधन आप हमारे पास पहुंचे हैं और ये ऑनलाइन आप दिखा पाते हैं, ये राम विलास पासवान जी का करिश्मा है। याद करिए भारत संचार के जब मंत्री थे तो उनका ये करिश्मा है, इसलिए रेलवे से लेके इस चीज के लिए तो मैं भी उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा उन्होंने किया कि आज जो हमारा डिजिटल मीडिया है वो हर मीडिया को टक्कर देते हुए फ्रंट पे है। हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अब रह गई बात कि सीतामढ़ी अभी लोकसभा का चुनाव 6 तारीख को होना है जी। हम लोगों ने आज हमने कहा समय ही नहीं मिला, बड़ा पहला दिन था और हमारे प्रत्याशी, हम एनडीए के हैं, अब एनडीए के प्रत्याशी भाई पिंटू जी आए हुए थे, उनको हम आपके माध्यम से भी निमंत्रण और आमंत्रण देते हैं कि उनको मंच पर भी हम दिए हैं निमंत्रण और आमंत्रण, आप लोगों के माध्यम से भी ये मैसेज उनको जाए कि वो मनोज राय के यहाँ आए, उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है, हमेशा खुला रहेगा, एनडीए के साथ हम लोग बने रहेंगे। और लड़ाई ही नहीं है, क्योंकि अर्जुन की पहचान, आपने उस दिन एक प्रश्न किया था हमसे कि लोग कहते हैं कि ये महाभारत है, आपने ही प्रश्न किया था। जी जी जी, मैंने ही किया। महाभारत है ये, तो महाभारत में बताइए कि अर्जुन को कैसे लोग पहचानेगा, उसके पास तीर रहेगा तब न पहचानेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्जुन के पास पहले के जो महाभारत होता था उसमें तीर था जी। लेकिन अब के जो अर्जुन इस महाभारत में लड़ रहे हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि उनके पास तीर है, और जब तीरे नहीं है अर्जुन के पास तो कैसे लोग पहचानेगा, इस युग में कोई पहचानेगा अर्जुन को? बिल्कुल, इस युग में तो अर्जुन की पहचान तीर से है, इसलिए आज ही नहीं, इस देश का अर्जुन तय हो चुका है नरेंद्र मोदी, और उसका तीर पिंटू जी के पास है, बिहार में नीतीश जी के हाथ में उनके कमान है, और नीतीश जी वो तीर पिंटू जी को दिए हैं, इसलिए अर्जुन वहां मोदी जी ने, लोकसभा के चुनाव नहीं, विधानसभा के अर्जुन के बात नहीं ना करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कहीं ना कहीं तीर पर बटन दबेगा। और लोगों से हम कहना चाहेंगे एकदम निसंदेह, सिर्फ यादव समाज के यदुवंशियों से सिर्फ एक अपील है मेरा कि आप सोच समझ के मतदान करें, कहीं आपको फिर 5 साल जैसे आप शाही मीनापुर गुलामी करने के लिए गए थे वहां शाही मीनापुर फिर आपको दरबारी न करने जाना पड़े, इसलिए सतर्क रहें, आप इस बात को ख्याल रखें। और दूसरा जो स्वर्ण समाज से हम अपील करना चाहेंगे, सुनने में आया है कि बहुत सारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं इस चुनाव में, लेकिन ये तय हो चुका है 90% वोटर को कि मोदी के पक्ष में देना है, और कुछ उसी में से है वही में से विपक्ष में देना है। बिल्कुल, तो बाकी वोट है ही नहीं, 10% वोट ही है, आप गुना भाग कर लीजिए 10% में सभी कैंडिडेट को कितना कितना पड़ेगा, उतना ही किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को पड़ेगा। इसलिए स्वर्ण समाज के लोगों से मेरा सादर अपील और अनुरोध है कि एक यादव का बेटा आपके समक्ष विनती करके कह रहा है कि तीर के अलावा इधर उधर बटन न दबाइएगा, कहीं ऐसा न हो कि जिसको हराने चाहते हैं उसी को जीता जाइएगा, इसलिए सतर्क रहिएगा और अपना एक एक बहुमूल्य वोट तीर छाप पर बटन दबाकर स्याही से उसको लैस कर दीजिएगा बटन को, ताकि पीछे वाला जाए तो जाने कि तीर पर बटन गिरा हुआ है, मतदाता इस बार स्याही लगा के तीर पर बटन गिरा के दिखाएगा। कहने की जरूरत नहीं है कि आप वोट डालिए, आप सब समझदार हैं कि आपका जो वोट है बहुत कीमती है, हाँ, मगर ये कहने की जरूरत जरूर है कि सोच समझ कर वोट डालिए। एक अपील है, जी जी जी, वोट निश्चित करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये पहला अपील है। बिल्कुल बिल्कुल, देश के तमाम मतदाता वोट जरूर करें, ये देश बचाने की लड़ाई है, संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, माइनॉरिटी को हमारे देश से कोई नहीं हटा सकता, पिछड़ों की आरक्षण को कोई नहीं मिटा सकता, ये उसके नाम पर डरा के राजनीति करने वाले को मिटाने का समय है और देश को बचाने का समय है, इसलिए तीर पर बटन दबाना है, ये हमारा अपील है। बिल्कुल, कल तक जहां पार्टी में टिकट से लेकर हर चीज को जो बंदरबांट चल रहा था, या यूं कह सकते हैं छीना झपटी जो हो रही थी, आज उससे दुखी होकर आरजेडी के ही बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, वो गरीबों से लेकर सभी के जो नेता हैं, वो आज खुद थक हार कर, परेशान होकर, दुखी होकर, निराश होकर पार्टी को उन्होंने त्याग दिया, और आज वो एक ऐसे प्रगतिशील गतिशील पार्टी में मिले हैं जिन्हें भरोसा है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ भी, इनका भी विकास होगा और समाज का भी विकास होगा। ऐसी छोटी बड़ी न्यूज के लिए मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए डेली न्यूज ऑनलाइन, सीतामढ़ी बिहार सुरसंड।